जैसे कि आपको पता है कि आज संविधान दिवस है, आज उन लोगों को याद करने का दिवस है जिन लोगों ने अपना पूरा जो है हमारा संविधान जो है हमारे देश के लिए बनाया और हम लोगों के लिए जो है उसके लिए बनाया, जो जितने हमारे रूल्स हैं जो भी है सबके लिए हमारे लिए बनाया गया है, तो उन लोगों को याद करने का दिवस है आज। तो आज सभी लोग जो है मेरे पीछे पीछे इसको अर्जित करेंगे सबके लिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एता द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। आज के दिन 1949 को हमारा संविधान था वो बन के तैयार हुआ था और उसको
में अब जो संविधान सभा थी उसने पास किया और देश में उसकी इम्प्लीमेंटेशन का निर्णय लिया गया। मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिवस है आज, और इसको संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय लगाकर इस संविधान को बनाया और जिससे आज हमारा सारा जो लोकतंत्र है वो चलता है, मुझे लगता है हमारे लिए गर्व का विषय है। और एक ऐसा संविधान है जो हमारे सारे जीवन के पहलुओं को, गवर्नेंस को, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कर्तव्य और ड्यूटीज, सभी चीज़ों को गवर्न करता है। तो हमें संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा जो है वो रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप अपना जो कार्य है वो व्यवहार रखने की आवश्यकता है। ताकि ये सभी को समझ में आ सके, मैं उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी मिलेगी, समानता सबको, देश की जो आबादी, बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। पढ़ लो भारत का है संविधान। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा। सब राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ होगा। चाहे तो नव राष्ट्रों का मिलन विधि सम्मत होगा। अनुच्छेद 1-2, अनुच्छेद 1 और 2, संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, शब्द अब भाग 2 आता है, नागरिकता। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी और उनकी सहयोगी संस्था रविदास सभा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, अम्बेडकर यूथ क्लब, भीमाबाई महिला मंडल, इन सभी संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय पर्व संविधान दिवस मनाने का निर्णय हुआ। और आज का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन रखता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृत किया, अंगीकृत किया, और संविधान का जो योगदान रहा निर्माण में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये स्थान जाता है। और 26 जनवरी 1950 को देश में लोकतंत्र, गणतंत्र और ये संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान इतना सशक्त है कि अगर दुनिया के अन्य संविधानों से हम तुलना करें तो वहाँ कभी राजतंत्र आ जाता है, कभी कुछ होता है, बदलता रहता है, लेकिन 72-73 साल के दौर में आप सभी लोगों ने देखा है कि शासन और प्रशासन में परिवर्तन होते हैं, लेकिन संविधान का वजूद, संविधान की सच्चाई और संविधान में इतनी ताकत है कि सरकारें बदलती हैं और नियमानुसार कार्य हो रहा है। मैं संविधान की जो संरचना है, हमें बाहर अम्बेडकर ने कहा था कि बाहर से ये संविधान हमें संघात्मक लगता है, लेकिन अंदर से इसकी आत्मा एकात्मक है। इसका अभिप्राय ये है कि शासन करने की पद्धति जो है संघात्म फेडरल होती है,
जिसमें सभी राज्य मिलजुल कर इस प्रदेश में अपने कार्य कर रहे हैं। एकात्मक जब देश को आवश्यकता पड़ती है संकटकालीन में तो उसे एकात्मक रूप में काम करना पड़ता है। इन दोनों परिस्थितियों में भारत चल रहा है, लेकिन आज संविधान दिवस पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो माहौल बना हुआ देश के अंदर उससे संविधान के बचाए जाने की आवश्यकता है। हम संविधान के नाम पर जो काम कर रहे हैं हम उसका सही मायने में काम करें, और राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग भारत सरकार से की जा रही है कि जो नई संसद हमारी दिल्ली में बनी है उसका नामकरण भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। यही उनके प्रति सच्चा हमारा प्रेम है, सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उसने देश को एक करने में अपना सहयोग दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि भारत सरकार, जो संसद अब लगभग पूरी होने वाली है और ये मांग विभिन्न संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है कि इस संसद का नाम अम्बेडकर संसद रखा जाए, ये उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। और हम ये आपस में और सरकार से मांग करते हैं कि हम जो भी शासन चलाएं वो लोगों के हित में हो और संविधान के अनुरूप हो। मैं आप सभी का, मीडिया बंधुओं का और अपने सभी संगठनों के पदाधिकारी और साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे होकर इस महान हस्ती को नमन करने का हमने प्रयास किया, तो उस पर इनके कदमों पर भी चलने का हम प्रयास करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे जो सुविधाओं से वंचित हैं। संविधान सभी प्रकार की सुविधा देता है, किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है, अमीर और गरीब की बात नहीं होती है, सभी को एक साथ खड़ा होने का अधिकार देता है। और ये एक विशेषता है कि अगर सरकार बदलनी है तो मतों के द्वारा, ये मतदान के द्वारा सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संविधान सफलतापूर्वक चल रहा है, इसकी हमें रक्षा करनी है। इसीलिए हम ये निवेदन करते हैं कि सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। धन्यवाद। भारत में रहने वाला है भारतीय कहलाता, भारत में रहने वाला है भारतीय कहलाता, बाहर से आ बसे भारत में वह भी ये हक पाता। अनुच्छेद 5 कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता करे स्वीकार, कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता करे स्वीकार, भारतीय नागरिकता पर वह खोएगा अधिकार। अनुच्छेद 9 भाग 3 आता है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, इनके विरुद्ध किसी विधि को असंगत ठहराया है। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में समता। बोलो कुछ, चलिए आओ। नमस्कार। संविधान दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं चंबा में और मेरे जितने भी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। हमारा देश जो कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में बंधा हुआ है, पूरा देश इस संविधान के तहत चल रहा है, और हमारे लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हमें बड़ी ही खुशी के साथ आज मनाना चाहिए। हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इस पर्व में भाग लेना चाहिए। मैं आज अपनी ओर से सभी चंबा वासियों को, सब
सभी हिमाचल वासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज संविधान के दिन जर उसके स्वरूप में मनाया जा रहा है और इस वक्त पर मौजूद सभी संस्थाओं के एग्जीक्यूटिव बॉडीज मेम्बरान और दूसरे लोग इस प्रोग्राम को प्रेजाइड ओवर करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब ने श्रद्धांजलि अपने पुष्पमाला अर्पित की बाबा साहब की प्रतिमा पर और उसके तत्पश्चात सभी लोगों ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दिन को मनाने का विशेष अभिप्राय ये है कि आज के दिन हमारे देश में जो संविधान इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रारूप शुरू किया गया था जो बाबा साहब के द्वारा लिखित अन्य सदस्यों के द्वारा इसको कंप्लीट करके तैयार करके जो इस दिन को स्वरूप दिया वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ। एक्चुअली ये स्टेप 2015 में तत्कालीन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के उसमें देख रेख में ये डिसीजन लिया था कि 125वें दिन में जो पास है कि ये अपनी हमने पुण्यतिथि मनाते थे जन जन दिवस मनाते थे तो उसमें डिसीजन लिया था कि क्यों ना जिस देश का संचालन एक ऐसे संविधान के स्वरूप में चलाया जा रहा है उस पुस्तक को पूरे देश में इस तरह का एक दिवस घोषित किया जाए ताकि सभी इसको स्मरण कर सके कि जो देश इतना बड़ा लोकतंत्र दुनिया का है जिसका संचालन एक पुस्तक से किया जा रहा था उसका भी लोगों के बारे में जागरूकता और इसमें उनकी जानकारी हासिल हो सके। ये तो सभी को मालूम ही है कि ये 26 जनवरी को इम्प्लीमेंटेशन हुआ था लेकिन ये 26 नवंबर को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो सदस्य थे उन्होंने इसको अप्रूव किया था। जितने भी इसमें अमेंडमेंट्स थे सुझाव थे उनको तर्क संगत करके उसको पूर्ण रूप से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट किया। उसके तत्कालीन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। तो ऐसा ना कि हम लोकतंत्र ही 26 जनवरी मनाते रहे और इस संविधान पुस्तक को बारे में ज्ञान हमारे किसी को ना हो, इसीलिए जो हमारी तत्कालीन मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने उन्हें डिसीजन लिया था उसको नोटिफाई किया था कि इस 26 नवंबर के दिन दिवस को हम संविधान के रूप में बनाकर पूरे वर्ष में इसकी जो प्रचलन है उसके बारे में जानकारी दे सके ताकि लोगों को अपने हक हकूक का मालूमात हो सके और अपने क्या क्या उनको संविधान प्रदान करता है इस तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। आज 26 नवंबर जिसे भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, भारतीय संविधान की महान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को लिखा। ये संविधान समाज के हर वर्ग शोषित दलित मजदूरों महिलाओं कामगारों सभी के लिए सर्वमान्य संविधान है जिसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। विश्व का सबसे जीवंत अगर संविधान हम कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि विश्व में किसी भी शासन को चलाने के लिए किसी भी राज्य को चलाने के लिए किसी भी देश को चलाने के लिए राष्ट्र को चलाने के लिए किसी न किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जो किसी संविधान के रूप में किसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हर देश जो है वो अपने नागरिकों के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाकर उसका प्रावधान करता है जिसके लिए भारत का संविधान जो है जिसे 26 नवंबर को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1950 को आंशिक रूप में जिसे लागू किया गया था और तब से इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। सन 2015 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया और आज हम 8वां संविधान दिवस मना रहे हैं। आप इस संविधान की खूबसूरती देखिए कि अब तक 1950 से लेकर 2022 तक 105 संशोधन जो है संवैधानिक संशोधन इसमें किए जा चुके हैं। ये सब हम नागरिकों के लिए है, हम ये कह सकते हैं कि ये जीवंत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत लचीला संविधान है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। हम जिस तरह से भी हमें किसी कानून को अगर कठोर हमें लगता है या समय के हिसाब से क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हम इस संविधान में भी देखते हैं जिसमें समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से हम
इसमें बदलाव लाते हैं, संवैधानिक संशोधन लाते हैं। सबसे पुराने अगर हम संविधान की बात करें, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, लगभग 1789 में शायद उसको लागू किया गया था, और आज तक उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 संवैधानिक संशोधन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार से लचीला है, किस प्रकार से जीवंत है, जो अपने नागरिकों को की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के हितों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमेशा जो है उसमें संवैधानिक संशोधनों का प्रावधान रहता है, ताकि अपने नागरिकों को जो है वो हर प्रकार से हम सहूलतें दे सके। जिस तरह के कानून की संविधान नागरिकों को है, उस तरह के कानून उनके लिए बनाए जा सके। और आज हम चंबा के इस उपायुक्त कार्यालय के समीप भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में संविधान दिवस हर वर्ष की भांति मना रहे हैं। और हम आज के दिन दिवस इस संविधान दिवस को मनाते हुए उस महान पुस्तक, उस महान दस्तावेज को शत शत नमन करते हैं। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी पूरी टीम जिन्होंने अलग अलग संविधान सभाएं की, और उसके बाद जाके जो है वो 2 साल और 11 महीने और 18 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया संविधान जो है इस संसार में भारत जैसे राष्ट्र को दिया, जो सभी को सर्वमान्य है, सर्व हम समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा संविधान जो है वो दिया गया है। और आज के दिन हम इस संविधान को, बाबा साहेब को और उनकी पूरी टीम को शत शत नमन करते हैं, और सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज 26 नवंबर एक ऐसा दिवस जिसमें भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ा, एक ऐसा ग्रंथ जिस पे भारत का भविष्य तय होना था, और हर वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बाबा साहब ने तैयार करके भारतवासियों को दिया, ताकि किसी भी वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, एक संविधान के रूप में। आज इस दिवस पर हम ना केवल बाबा साहब को याद करते हैं, बल्कि उनके द्वारा जो ये महान ग्रंथ लिखा गया, जिसके अनुसार आज भारत जो है वो अपना पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण रख रहा है कि हर वर्ग के लोगों को यहाँ उचित सम्मान, उचित अधिकार दिए गए, ताकि किसी भी जाति वर्ग या किसी भी समुदाय के साथ कोई भेदभाव ना हो। इस अवसर पर मैं आप आज इस भारत के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि भारत का हर एक नागरिक संविधान की पालना करेगा और संविधान को बचाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग देगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आज संविधान दिवस है, और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू, इसका जो है प्रारूप तैयार किया गया था, और इसे जो है देश को समर्पित किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो है वो ये भारतीय संविधान जो है इसको लागू किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है इसकी जो है विशेषता है, इसमें जो है मौलिक अधिकार जो है का विशेष महत्व है, ताकि किसी भी व्यक्ति के जो है वो मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का कोई हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो है वो सभी को जो है, सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। इसमें दलित वर्ग जो कि बहुत ही पिछड़ा वर्ग होता था, इनको भी जो है वो उठाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने योगदान दिया है। तो इसमें संविधान में हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे मजदूर भाइयों को जो है वो 12 से 14 घंटे के लिए कार्य करना पड़ता था, तो संविधान में ये व्यवस्था की गई कि वो उनका जो है अवधि घटाकर 8 घंटे कर दी गई। भारतीय संविधान में जो वो महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया, जहाँ पर
महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, तो इसमें जो है वो वोट देने का अधिकार जो है प्रावधान किया गया। तो इसी के साथ ही मैं जो है भारतीय संविधान दिवस पर सभी चंबा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत। आज मैं इस उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब ने ऐसा ग्रंथ देश को दिया है जिससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है। मैं सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य पर पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब जी, कुछ लोग हमें कहते हैं कि क्या मिलेगा ये समाज सेवा करके, ज़िंदगी गुजारने के लिए काम धंधा करना पड़ता है। तो हमने भी अपने अंदाज में कह दिया, ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं, जज्बा समाज को बदलने का होना चाहिए। सरकार और लोकतंत्र विपक्ष की बराबर हिस्सेदारी होती है, लेकिन जिस तरह से पद और व्यक्ति के प्रति आपसी नफरत बढ़ी है, ये देश के हित के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। बहुत ही आसान है ज़मीन पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। डॉक्टर बाबा साहब जी कहते हैं, मेरी नज़र में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए कार्य भी करे, नहीं तो डूब मरे बेशक अगर ज़िंदगी सिर्फ खुद के लिए जी रहे। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब जी कहते हैं कि अगर एकता से चलोगे तो इंसान ही क्या, आसमान भी झुक जाएगा। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, उस समाज का उद्धार करना हमारा ही मुख्य कर्तव्य है। जय भीम, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। आज संविधान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ पे चंबा की बहुत सी संस्थाएँ हैं जो कि यहाँ पर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जो है पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर जो है विराजमान हुए हैं। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। इस दिन हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो इसके पश्चात जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा देश जो है अपना कार्य करता है, अपनी शासन प्रणाली को जो आगे व्यवस्थित करता है, आगे चलाता है। तो 26 नवंबर 1949 का जो ये दिन है हमारे लिए बहुत ही सराहनीय दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही एक विकासशील दिन है हमारे लिए। इसके लिए मैं सभी चंबावासियों को, हिमाचल वासियों को और पूरे भारत देश के वासियों को इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। आप सभी को सबसे पहले 73वें संविधान दिवस की ढेरों बधाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान लिखा गया, उसमें सभी लोगों को, जितने भी लोग थे उनको उनके हक दिए गए, उनके अधिकार दिए गए। और हम कह सकते हैं ये हमारे लिए एक सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि बाबा भीमराव जी अम्बेडकर द्वारा जो ये संविधान बनाया गया, इसको हम अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाएं, इसका पालन करें और जितने भी धर्म जाति हैं उनको सब साथ लेके चले और विशेषकर हर लोग बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करें। यही जो प्रेरणा हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से मिलती है, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले। धन्यवाद। संविधान दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हमें यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ पर अनेक जाति धर्म संप्रदाय संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने
हर व्यक्ति को एक सूत्र में पिरो दिया है। इसलिए जितना भी हमारे देश में शासन चल रहा है वो संविधान के अनुरूप ही चल रहा है। मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से पूरे देशवासियों को, चंबावासियों को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।